राम राम जी। सारा नया दुनिया में सीजा लाउत के चैनल पर थारा सारा का एक बार फिर से स्वागत है। और आज तुम को हो यो के और छतरी ले क्यों खड़ी है, करूं के सू मी बरसन लाग रहा है। फिर भी देखो मैं कितनी मेहनत करूं हूं कि भाई जो भी अपने सब्सक्राइबर है बहुत देखा वीडियो की, तब मैं बूंदा बांदी शुरू हो रही थी तब मैं वीडियो शूट करनी थी, मैंने आ रहे अपने भैये मेरे जो पेड़ पौधे थे तब मैं बूंदा में बैठ कर वीडियो शूट करने लाग रही हूँ। तो और फिर भी क्या है, आप वीडियो ने लाइक और शेयर कमेंट नहीं करते, कमेंट करे आप, आप लाइक भी करो शेयर भी करो कमेंट करे आप ताकि हमने मोटिवेशन मिले। तो चलो मैं बता दू आपने, आज की जो वीडियो होगी ना उसका टॉपिक रहेगा भाई बच्चे हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो, या जैसे कोई भी पार्टी वियर फंक्शन हो उसमें आपकी एक ईसा हेयर स्टाइल है जो हरेज ग्रुप पर चलेगा। तो भाई मेरे देवर की शादी थी उसमें मैंने कराया था मेरी बेटी का, तो वो आप देखियो वो वीडियो ने कर देवा शुरू। तो भाई सब पहला तो आपने मतलब क्लाइंट कहवे ना कि मैं तो बाल सुलझा कर आ रहा हूँ, तो भी आपने सबसे पहला जो हेयर्स है वे टेंगल फ्री करने हैं। टेंगल फ्री का मतलब क्या होया करे कि भाई अच्छे तरीके से सुलझाने हैं। ये देखो जैसे मैंने सेक्शन बिल्कुल क्लीन कर लिया है और ना जैसे बिल्कुल आगे तक एक जो है वह आपने एक पार्टीशन उठाना है और वो तीन पार्ट्स में डिवाइड करना। हालांकि वीडियो के लास्ट में भी मैंने स्पीड में लगा दी है जैसे भाई किसी का ना समझ में आवे तो रिपीट करे पाछे थोड़ा ध्यान बन जावे। तो जैसे हम सिंपल गुत या फ्रेंच छोटी कराया करा ना, यूं आपने लेयर्स लेनी है। जितनी आप छोटी छोटी पार्टीशंस लोगे ना उतनी छोटी अच्छी आवेगी। एक आपने बेरा ये होगी फ्रेंच जब हम करा हाँ तो उसमें उसकी क्लियरिटी बहुत मायने रखा है, और ख़ासकर जब हम यह वाली चोटी करा है ना तो इसमें तो ज़रूर। और ख़ास और है ना बात यह भी है कि यह चोटी आप जैसे भाई छोटा बच्चा उसके कर सको हो, किसी छोटे फंक्शन में भी कर सको, किसी बड़े फंक्शन में भी कर सको हो, मतलब हर फंक्शन के लिए सूटेबल है। दूसरा इसमें आप अलग अलग तरीके तक करके अलग अलग लुक दे सको हो, तो वो तई वीडियो के लास्ट में देखियो आप इसका फाइनल लुक के रहा। और जो मैंने ओपन हेयर स्टाइल कराया था ठीक है ना, तो वो भी आप तक हम जरूर शेयर करांगे। ये देखो यहाँ पे अब इसने लास्ट तक पिनअप कर देवांगे। और ये देखो आपने बिल्कुल सेक्शन अच्छे तक क्लीन करके उठाने हैं। देखो अब मैं इसने मैंने थोड़ी सी कोई पिन वगैरह नहीं लगाई, बस ये है ये थोड़ी पीछे तक गूंथ ली। अब है ना मैं हर एक सेक्शन ने थोड़ा सा पुल करूंगी। अगर आपने भी एडवांस कोर्स कराया होगा तो आप समझ को हो पुलिंग की टेक्निक्स, क्योंकि इससे हम कोई भी जो हेयर स्टाइल हो उसने एक डिफरेंट लुक दे सका हाँ। और इसके बाद मैं इसने पिनअप करूंगी। हालांकि मैं सिंपल तरीके से भी इसने पिनअप कर सकूं थी, लेकिन पुलिंग के बाद जो है इसकी लुक बहुत अच्छी निकल कर आई है। तो इसने मैं फिर इसकी सेफ्टी के लिए कि भाई ओपन ना हो तो मैं इसमें यूज़ करी है, मैंने बता दूँ आपने बॉब पिन, बॉब पिन बताऊँगी। एक पिना पे भी मैं सोचूँ वीडियो ले कर आऊँ, क्योंकि देखो जब शुरुआत कर दी है बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल जीरो तय मैं सोचूँ हूँ ले कर आऊँ वीडियोज़, लेकिन इसमें आप सबका मैंने सपोर्ट चाहिएगा। तो यहाँ पर मैं करने लग रही थी हेयर्स ने ट्विस्ट, और बिल्कुल आपने एक पतली सी लेयर उठानी है स्टार्टिंग तक लेकर लास्ट तक, और अच्छे तक ट्विस्ट करना है जिस तक भी दिख है, मतलब दिखना चाहिए कि ट्विस्टिंग हो रही है, क्योंकि उस तक एक डिफरेंट और अच्छा सा लुक आनी। तो कई बार हमने देखा है कि भाई आगे तो बहुत सारा पार्ट तो यूं दिखता ही नहीं, इसमें कै सेक्शन उठा रखे ट्विस्टिंग के लिए कह नहीं, तो ठीक है ना। तो यह चीज़ भी आप ध्यान रखो। अब इसके बाद भी मैं इसने पिन तय अटैच कर दूंगी। तो ये देखो इसके बाद जैसे भाई इसमें कई सारी ट्विस्टिंग के मैंने उठाने पड़े थे पार्टीशंस, तो कुछ पार्टीशंस तो मैंने अटैच कर दिए थे, कुछ फिर मैंने बाद में ट्विस्ट करे थे। तो क्योंकि भाई जैसे फ्रेंच करी थी तो थोड़े बाला में भी टेंगल्स हो गए थे, इसलिए मैंने पहला वे सुलझाए थे।
और इब मैं अपना हेयर स्टाइल ने मतलब अपना कंप्लीट लुक की तरफ लेकर जान ला गई थी। और है ना, मैं बताऊंगा आपने कि मेरे तो बहुत जल्दी जल्दी में कोई हेयर स्टाइल, हाँ पहला कर दिया करती जब भाई मैंने जो थोड़ा एडवांस काम नहीं सीखा था, लेकिन अब तो मैं मोस्टली के है मेरे ने बहुत टाइम लग जाओ है। दूसरी बात, कई बार मैंने कह आ कर है इंस्टाग्राम वगैरह पर कि भाई आप ज़्यादा वीडियोज़ तो डालते नहीं हो पार्लर की, आप बता रहे थे, तो भाई ज़्यादा वीडियोस हम प्राइवेसी के चलते नहीं डालते हैं, क्योंकि देखो भाई सबके घर क्या की सोच एक जैसी नहीं है। और दूसरी बात, क्लाइंट की जो प्राइवेसी है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो या जो चोटी थी या शायद खुल गई थी, क्योंकि जो मैंने पिन लगाई थी वे ध्यान नहीं रही मेरे, मैंने वे निकाली ना, तो साथ में या चोटी थोड़ी पीछे तक लूज हो गई थी और थोड़ी फिर मैंने जा मारी और दोबारे तय करी थी। ये देखो इसका फाइनल लुक। फिर मैंने यूँ था कि भाई अब जैसे बारात वगैरह में जाओगी तो बच्चे डांस वगैरह भी करेंगे, तो या लूज ना हो जावे, तो ये सारी चीज़ हमने ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम ये स्टाइल वगैरह करा। आप ये देखो आपका के ओकेज़न है, और ओकेज़न भी देखो, और ये देखो कि भाई आप का मतलब जैसे आपको ज़्यादा डांस डूंस करना है या नहीं करना, उस हिसाब से आप अपना ड्रेस अपना हेयर स्टाइल ये सब कैरी करो। तो ये अब लास्ट में मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में भी लगा दिया है, क्योंकि देखो भाई हर तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको शॉर्ट में वीडियो देखना पसंद होता है, जिनको थोड़ा भाई पूरे डिटेल तक देखना पसंद हुआ है। तो यहाँ पे और यह वीडियो मैंने किस टाइम शूट करी थी, अचानक से मेरी बेटी नू कहने लगी कि मम्मी देखो आपने तो अपना अच्छा मेकअप कर लिया, बड़ी मम्मी का भी कर दिया, लेकिन मेरा देखो मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो आपकी बेटी का भी तो आपको हेयर स्टाइल करना चाहिए। तो भाई वीडियो आपने देख ली है, और आप इस वीडियो ने ढेर सारा प्यार दियो, कमेंट्स करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, तो मैं भी मोटिवेट होंगी और इसी और बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि देखो भाई आग आने लग रहा है, सब तो बड़ा त्यौहार करवा चौथ, दिवाली, और उसके बाद हो जाओगी शादियाँ शुरू, तो आपने बहुत हेल्प मिलेगी इसे कंटेंट तय। तो अपना प्यार नुए बनाए रखियो, और हाँ चैनल ने सब्सक्राइब करना तो कति मत भूलियो, जैसी सुथरी सुथरी बढ़िया बढ़िया वीडियो तुमने चाहिए है। तो ठीक है, तो मिलांगी अगली नई वीडियो में, सारा ने मेरी राम राम।